अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त देसी नुस्खा है मेरे पास, जिन गाय भैंसों कटे बछुओं बकरे बकरियों या किसी भी कुत्ते बिल्ली के किसी भी जानवर के, आपने जो घरेलू जानवर रखा हुआ है उसके किसी भी जगह ज़ख़म हो जाता है और ज़ख़म में कीड़े पड़ जाते हैं, उसका बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको इलाज बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। जो का अनुमान ये है कि जिन गाय भैंसों कटे बछों कुत्ते बिल्ली या बकरे बकरी किसी भी घरेलू जानवर के ज़ख़म हो जाता है और ज़ख़म में कीड़े पड़ जाते हैं, उसका बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको इलाज बताने वाला हूँ। करना क्या है, आपने न्याज बो का पौधा तो आप लोगों ने देखा ही होगा, कई लोगों ने घरों में भी लगाया हुआ है। न्याज बो के पौधे के थोड़े से पत्ते उतार लें आप, 5-6 या 8-10 पत्ते उतार लें, उतार कर उनको थोड़ा सा कूट लें, कूट कर उनका जो पानी निकलता है उनका पानी निकाल कर वो आपने जिस जिस जगह ज़ख़म में कीड़े पड़े हों वह उसमें पानी आप डाल दें उसका, और कीड़े इंशाल्लाह बाहर निकल भी जाएंगे और मर भी जाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त इलाज है। कई लोग तो पेट्रोल वगैरह डालते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन मैं आप लोगों को जो नुस्खा बता रहा हूँ बहुत ही कारामद, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है ये। कि न्याज बो का पौधा तो आपने देखा होगा, कई लोगों ने अपने घरों में भी लगाया हुआ है, उसके पत्ते उतार लें, 8-10 पत्ते उतार लें या ज़्यादा उतार लें, अगर ज़ख़म बड़ा है ज़्यादा कीड़े हैं तो पत्ते ज़्यादा भी आप उतार लें, उतार कर उनको कूट लें, उनका पानी निकाल लें, पानी निकाल कर उस जगह पर डाल दें, उस ज़ख़म में डाल दें जहाँ कीड़े पड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह वो कीड़े भी बाहर निकलकर मर जाएंगे और ज़ख़म भी बिल्कुल आपका साफ़ हो जाएगा। फिर आपने जो उस ज़ख़म को ठीक करने के लिए जो नुस्खा देना है वो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था, पिंक स्प्रे लगाएं उस पर और कुछ टीके इंजेक्शन्स वगैरह भी मैंने बताए थे वो लगाएं और साथ में पिंक स्प्रे ऊपर लगाएं, इंशाल्लाह वो ज़ख़म जो है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुँचे।